तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, और उन सारी चीजों को थोड़ा सा लिखते चलिएगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में जो भी हमने थ्योरम्स डिस्कस किए, जो भी हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए, उनका क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है, उन टॉपिक्स का कवरअप होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस को देखते चलिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि नोट्स आपका प्रिपेयर होता चले। तो फ्रेंड, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। तो इसमें कह रहा है कि द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर द सेट ऑफ एन डेटा पॉइंट इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टॉप इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी। और यहाँ पे ए का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एन इंटू समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई वाई जे माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन वाई आई डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन का पावर एन, यानी वन से लेके एन तक आपका आई का वैल्यू होगा, और एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू वन टू एन एक्स जे, और यहाँ पे आपका उसका स्क्वायर, और b का जो वैल्यू होगा वो 1 अपॉन n, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक yi माइनस a इनटू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n एंड xi। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली, जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में साबित होगा फॉर्मूला काफी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपको बेहतर करना है तो ये फॉर्मूलाज आपके क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस टू कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा टू एंड थ्री कॉमा टू। यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर द गिवन डेटा पॉइंट, एंड सेकंड हमें फाइंड आउट करना है प्लॉट द गिवन पॉइंट एंड द रिग्रेशन लाइन इन द स्क्वायर सेम रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्स, ये आपका वाई हो गया, ये एक्स वाई हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपके एक्स के वैल्यू दिए हैं, एक्स वाई आपका क्या होगा टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका फोर हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है, और एन के वैल्यूज आपके कितने दिए हुए हैं, थ्री दिए हुए हैं, क्योंकि ये वन टू और थ्री है, और यहाँ से आपका ये वन है, ये वन है, ये वन और ये वन हो जाएगा, और ये थ्री टू सिक्स नाइन। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स कितना आएगा, यानी समेशन यानी सारी चीजों को एक्स के सारे वैल्यूज को जोड़ देना है। समेशन ऑफ वाई इतना आएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई नाइन आएगा, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 14 आएगा। ओके, आंसर दैट वी नो दैट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर द एन डेटा पॉइंट इज गिवन बाय द वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, यानी एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। हम ए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर ए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जहां जहां वैल्यूज हैं वहां हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, ए के जगह पे आ जाएगा, बी के जगह पे आएगा, तो फाइनली आंसर क्या होगा एक्स प्लस बी है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 23 अपॉन 38 यहाँ पे हो जाएगा इनटू एक्स प्लस 5 अपॉन कितना होगा 19 होगा। तो एक आंसर हमारा फाइंड आउट हो चुका। अब बी पार्ट पे हम लोग चलते हैं, बी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा चीजों को ताकि आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। बी हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो आप देख लीजिए ग्राफ आपको रिप्रेजेंटेट करना है, जो भी हमें पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट्स को आपको बस ग्राफ में रिप्रेजेंटेट कर देना है। ये आपका क्या है 1,1 का ग्राफ है, ये आपका क्या है माइनस 1,1 का ग्राफ है, और यहाँ पे आप देखिए ये 2,2 का ग्राफ है, और ये आप ग्राफ को थोड़ा सा देख सकते हैं। और यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्योंकि हमें सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ को रिप्रेजेंटेट करना था, तो बस ग्राफ को आप देख लीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल्स ऑफ द कंपनी इन अ मिलियन डॉलर्स फॉर ईच ईयर आर एज शोन इन बिलो, यानी एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक कंपनी है जो कि बिलियन डॉलर्स का जो अर्निंग है वो करता है, और यहाँ पे एक्स और वाई आपको टेबल दिए गए हैं जिसमें एक्स आपका ईयर है और वाई आपका सेल्स है। तो 2005 में हमारा जो है वो 12 मिलियन डॉलर था, 2006 में हमारा 19 मिलियन डॉलर था, 2007 में हमारा 29, और 2008 में कितना था आपका 37 डॉलर, और 2009 में कितना था 45 डॉलर था। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, एंड सेकंड हमें फाइंड आउट करना है यूज द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन एज ए मॉडल टू एस्टिमेट द सेल्स ऑफ द कंपनी इन 2012, यानी 2012 में
क्या होगा सेल्स उस कंपनी का, वो हमें प्रेडिक्ट करके बताना है। ओके तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस सॉल्यूशन को देखेंगे। तो फर्स्ट अज्यूम दैट द 2005 एज ए मॉड्यूल एंड 2007 एज 2 एंड 2008 एज 3 एंड 2009 एज 4 एंड दिस मेक्स द वैल्यू ऑफ एक्स एज स्मॉलर एंड इजली मैग्नेटेबल एंड सो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगा, वाई का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है, उसको हमें प्रेडिक्ट करके बताते जाना है और एक्स वाई यानी इसके मल्टीप्लीकेशन को हमें करते जाना है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका निकल ही जाएगा। ये सारे एक्स के वैल्यू दिए हैं और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि टेबल में आपको 5 नंबर्स दिख रहे होंगे। अब क्या करना है, समेशन आपको देना है, यानी एक्स के सारे वैल्यूज को ऐड करने हैं, वाई के सारे वैल्यूज को ऐड करने हैं और एक्स इंटू वाई के सारे वैल्यूज को ऐड करने हैं और एक्स स्क्वायर के सारे वैल्यूज को ऐड करने हैं। तो एज वी नो दैट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर एन डेटा पॉइंट इज गिवन बाय y is equal to ax plus b, तो आप कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है, a और b के वैल्यू को लाना है और इस y के जगह पे y is equal to ax plus b में पुट करना है। तो यहाँ पे a का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, जितने भी समेशन ऑफ एक्स वाई था, जो आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर था, उन सारे वैल्यूज को हमने पुट किया, तो a का वैल्यू कितना आया आपका 8.4 आया और b के वैल्यू को हमने पुट किया सारे वैल्यूज को तो 11.6 आपका आया। और जो आपका लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन होगा वो क्या होगा, y is equal to 8.4x plus 11.6 आपका फाइनली आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का ए पार्ट। अगला है आपका बी पार्ट, जिसमें आपका सेल्स ऑफ कंपनी इन 2012 में हमें गेन करना है, क्या आपका सेल्स होता है। तो 2012 x का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा और यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, क्योंकि हमें सारे वैल्यू थोड़े से प्रिडिक्ट करके यानी मान के चलने पड़ेंगे, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को x के अंदर, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था जो कि सॉल्यूशन 1 के लिए फाइंड आउट हुआ था, तो वहां पे हम पुट करेंगे x के जगह पे 7 और यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पे कितना आएगा 70.4। तो जो आपके एस्टिमेट बिलियन होगा, जो एस्टिमेट सेल होगा, वो 70.4 बिलियन डॉलर होगा। तो यहां तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को, ताकि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।